हेलो गाइस, वेलकम टू ओटीएस। आई एम आयुष भदौरिया। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, इट इज अ रैंडम टॉपिक। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल इन द इंडियन एक्सप्रेस रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज विनर्स, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं नोबेल प्राइजेस। तो उनके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में कि व्हाई डिड महात्मा गांधी नेवर रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज for peace, in spite of being the greatest apostle of peace and harmony, कभी गांधी जी को ये अवार्ड से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? वही पूरा आर्टिकल था और उसकी अलग अलग कारण बताए गए थे, कोशिश की गई थी एक्सप्लेन करने की। बट सारांश यही है कि कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कभी भी एक ऐसे शख्स को नोबेल प्राइज नहीं देंगे जिन्होंने ब्रिटिश को भारत से खदेड़ने में, निकालने में एक अहम भूमिका निभाई। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल। महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ पीस एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग सिंबल ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। गांधी, जैसा मैंने आपको बताया, पीस के सबसे बड़े संवादक, सबसे बड़े उसके उसको दुनिया में पहुंचाने वाले, उनको कभी भी नोबेल प्राइज से सम्मानित क्यों नहीं किया गया? एज द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी अनाउंस द 2022 पीस प्राइज, द ह्यूमन राइट्स एक्ट, द ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एल्स आस्क द क्वेश्चन दैट व्हाई डिड गांधी नेवर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। हाउ इज इट दैट महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट अपोस्टल ऑफ पीस एंड मोस्ट इंस्पायरिंग सिंबल ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल ही नेवर गॉट द नोबेल प्राइज? ही वॉज नेवर ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और लेटर, दैट इज पोस्टमोसिकली, मरने के बाद। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, नोबेल प्राइज की कमेटी ने भी इस बात को पॉन्डर किया है कि गांधी जी को कभी नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। उसके कुछ जो रीजंस उन्होंने एंड में बताए हैं उस आर्टिकल में, मैं डायरेक्ट आपको वो रीजंस बताता हूं और आप पर छोड़ता हूं ये सोचना कि क्या ये रीजंस लेजिट हैं, सही हैं, या फिर अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को छुपाने की एक कोशिश है। अप टू द 1960s व्हेन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट Albert John was honored, the peace novel went almost exclusively to the Europeans and Americans. 1960 तक, जब तक apartheid movement के जो एक संवादक थे Mr. Albert John, उनको नहीं मिला नोबेल प्राइज, तब तक नोबेल प्राइज जो थे वो केवल Europeans और Americans के एकाधिकार के नीचे आते थे। Europeans का और Americans का एक छत्रराज था नोबेल प्राइजेस पर। वही बात ना, colonial mentality, एशियंस को, अफ्रीकन्स को कभी नोबेल प्राइज नहीं देंगे हम क्योंकि वो हमारे गुलाम रहे हैं। द व्हाइट मैन्स बर्डन, रेशियल सुपीरियरिटी, ये सब थ्योरीज हैं, आज भी लोग मानते हैं, तब भी मानते थे। ठीक है, गांधी वॉज अ डिफरेंट मैन, नॉट अ रियल, अच्छा ये रीजन दिया गया है, अब इसमें ये सुनिए आप। गांधी वॉज अ डिफरेंट मैन, नॉट अ रियल पॉलिटिशियन और प्रोपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो रीजन ये दिया गया है कि गांधी ना तो पॉलिटिशियन थे, ना ही उन्होंने कोई इंटरनेशनल लॉ, सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ जो बनाई भी नहीं लोगों ने, वेस्ट ने, उसके प्रोपोनेंट नहीं थे। उन्होंने कोई भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का काम नहीं किया, ऐसा आर्टिकल कह रहा है। नॉट एन ऑर्गेनाइजर ऑफ ग्लोबल पीस, एंड उन्होंने कभी ग्लोबल पीस की तरफ कदम नहीं उठाया। जो आदमी, जिसका देश अपने आप मुसीबतों में है, स्लेवरी सिस्टम में है, ऑपरेशन में है, वो अपने देश को आजाद कराएगा या दुनिया में पीस बांटता फिरेगा? उसने अपने देश को आजाद कराया ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस, ऑन द बेसिस ऑफ पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी ने कराया, बट गांधी जी का भी एक बहुत बड़ा रोल था उसमें। जब आप ठीक से गांधी जी को पढ़ाएंगे बिटवीन द लाइंस, तो आप समझेंगे कितने श्रूट तरीके से, कितनी चालाकी से उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाला, कितनी चालाकी से देश को सिखाया कि आजादी क्या है। और उनका ये मानना है वेस्टर्न्स का, उन्होंने कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में काम नहीं किया। एंटी पार्टीशन मूवमेंट में गांधी जी ने पूरा पूरा अपना काम किया, सहयोग दिया।
लेकिन दे विल नॉट एक्नोलेज इट बिकॉज ये यूरोपियंस के खिलाफ था ना। पार्टीशन तो यूरोपियंस ने करवाया, ब्रिटिशर्स ने करवाया, उसके खिलाफ अगर आप काम करेंगे वो उसको अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं। In 1947, a majority in the committee of Nobel Prize had doubts about the consistency of Gandhi's pacifism. Gandhi ki jo pacifism ki consistency hai, us par doubt tha logon ko. Doubt tha. Gandhi ji ne Africa mein bhi non-violence ka sahara liya, India mein aake bhi non-violence ka sahara liya, phir bhi unki consistency par inko doubt tha. 1948 mein unki mrityu kar di, unki goli maarkar hatya kar di gayi. जितना उन्होंने काम किया नॉन वायलेंस पे किया, फिर भी इन लोगों को उनकी कंसिस्टेंसी पे डाउट था। ट्रिगर्ड बाय अ मिसलीडिंग न्यूज़ रिपोर्ट दैट कोटेड हिम एज सेइंग दैट इफ देयर वाज नो वे ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस फ्रॉम पाकिस्तान द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट वुड हैव टू गो टू वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स हुज लॉयलिटी वॉज विद पाकिस्तान शुड नॉट स्टे इन इंडियन यूनियन। ये रीजन दिया जाता है कि र्यूमर फैल गया था कि गांधी जी ने ये बोला है कि पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए भारत को अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो, और जो मुस्लिम्स पाकिस्तान के पक्ष में है उनको भारत से निकाल देना चाहिए। ये एक र्यूमर फैल गया था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया पर नजर रखती है वो एक र्यूमर में फंस गई। तब तो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम भी नहीं था। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में अवार्ड्स बांटती फिरती है वो ल्यूमर्स में फंस गई। इतनी नायक तो नहीं हो सकती नोबेल कमेटी, बट कुछ ना कुछ रीजन तो देना ही था, वजह देनी थी, तो यही सही। द कमेटी आर्काइव्स डू नॉट सजेस्ट दैट अ पॉसिबल एडवर्स ब्रिटिश रिएक्शन टू एन अवार्ड टू गांधी वॉज एवर टेकन इन टू अकाउंट। कमेटी के जो आर्काइव है वो ये कहीं से नहीं कहते कि अगर हम गांधी को अवार्ड देते तो ब्रिटिशर्स को बुरा लगता, उनकी तरफ से रिएक्शन आता, अगर ऐसा था तो क्यों नहीं दिया गया। एक आदमी ने जिसने न केवल इंडिया उस समय, अब तो पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी, इस समय के हिसाब से तीन मुल्कों को आजादी दिलवाई, अफ्रीका में कई देशों ने नॉन वायलेंस के तरीके से आजादी ली जो कि गांधी के पाथ पर चलते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिन्होंने अमेरिका में एंटी ब्लैक मूवमेंट चलाया वो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, आपने उस आदमी को नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक र्यूमर फैल गया था, क्योंकि आपको उनकी कंसिस्टेंसी पर भरोसा नहीं था। मैं कितने लेम एक्सक्यूजेस दिए हैं नॉर्वेजियन पीस प्राइज की कमेटी में, वन कांट इवन इमेजिन। कुल मिला के बात यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट रखते हैं, आज भी रेशियल सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, और कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे यूरोपियंस या अमेरिकन्स को थोड़ी सी भी हानि पहुंचे, थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस लेक्चर। आई विल मीट यू इन अनदर वन। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। तब तक के लिए स्टे फ्रेश। जय हिंद।